Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening to all of you. Well, this is Vishal, your computer trainer, and today's interview class related account. आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेसिक अकाउंटिंग में गोल्डन रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का. तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस श्वेता को. प्लीज़ कम हियर. यस, प्लीज़ कम इन. गुड आफ्टरनून. या ऑफ कोर्स, हैव अ सीट प्लीज़. वेलकम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर सेल्फ. My name is Shweta and I come from Chittepur. My course name is DFA. DFA. DFA stands for, do you know? So yes sir, Diploma in Financial Accounting. Very good. आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, उसका गोल्डन रूल क्या होता है. तो आर यू रेडी? यस सर. आपको पता है? यस सर. ओके, सबसे पहले आप बता दीजिए जो अकाउंट का नाम आता है, अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर, खाता कहते हैं. खाता. डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? यस सर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट. नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. वेरी गुड. तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये अकाउंट के टाइप्स होते हैं 3. अगर मैं पूछूं आपसे पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स हैं? सर 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन? सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. वेरी गुड. तो पर्सनल अकाउंट के भी 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, लीगल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और आपने बताया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अगर रियल अकाउंट की मैं बात करूँ, रियल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं? सर 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन? सर टेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट. वेरी गुड. टेंजिबल और इनटेंजिबल. ठीक है, अगर इसका पूरा डिफिनेशन चाहिए आप लोग को, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन के साथ, डिफिनेशन के साथ. इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं गोल्डन रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का. तो लास्ट कौन सा था? नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का कुछ एग्जाम्पल बताइए. सर परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट एंड मच मोर. वेरी गुड. तो आपने देखा 3 अकाउंट के टाइप्स होते हैं, और उसके भी टाइप्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट के भी 3 टाइप्स होते हैं, रियल अकाउंट के 2 टाइप्स होते हैं, और आपने कुछ देखा नॉमिनल अकाउंट के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल. अब बात करने वाले पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है. सर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर. वेरी गुड. पर्सनल अकाउंट का क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर. तो मतलब देने वालों को क्या करो? क्रेडिट करो. पाने वालों को क्या करो? डेबिट करो. वेरी गुड. तो अगर मैं आपसे पूछूं रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? सर क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट व्हाट कम्स इन. वेरी गुड. तो आपने देखा क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन. ठीक है, मतलब जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्या करो? उसे क्रेडिट करो. और जो वस्तु व्यापार में आए उसे क्या करो? डेबिट करो. डेबिट करो. अब बात करने वाले नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है. तो क्या आपको पता है? यस सर. सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. वेरी गुड. सभी खर्चों को क्या करो? सर क्रेडिट करो. सभी खर्चों को क्या करो? क्रेडिट. सर डेबिट करो. हाँ, सभी खर्चों को क्या करो? सर डेबिट करो. और सभी लाभों को क्या करो? सर क्रेडिट करो. डेबिट करो. ठीक है, आज इस वीडियो में आपने देखा पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है. अगर आपको पूरा डिफिनेशन देखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इसमें पूरा विस्तार से बताया गया, एक्सपोज किया गया अकाउंट के बारे में. तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए विशाल सर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच वॉचिंग.